पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रहे सुनील जाखड़ ने पार्टी की सेवा में कई दशक गुजार दिए, लेकिन उन्होंने कभी सोचा ना होगा कि पार्टी उन्हें ऐसे छोड़नी पड़ जाएगी। उन्हें क्या मालूम था कि जिस पार्टी के साथ जुड़े रहने में उन्हें इतना गुमान था, वो पार्टी उन पर ऐसे सख्ती दिखा देगी। पंजाब कांग्रेस के जिन युवा चेहरों के लिए जाखड़ एक मार्गदर्शक की तरह थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस रुसवाई के साथ पार्टी का साथ छोड़ देना पड़ेगा। उनका दर्द दिल छलका एक सोशल साइट के जरिए। करीब आधे घंटे के उस बयान में कई बार उनका गला भर सा आया, कई बार उनके चेहरे पर मायूसी के भाव छलके और कईयों बार उनकी वाणी में कर्कशता के साथ आला कमान को कुछ सुझाव और कुछ शिकवे भी सुनाई दिए। उन गिले शिकवों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ी तो अभी तक आला कमान ने भी उनकी खुले तौर पर कोई खैर खबर नहीं ली। हालांकि इस बीच पंजाब कांग्रेस के फायरब्रांड नेता नवजोत सिद्धू के दिल में जरूर वरिष्ठ नेता जाखड़ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया। उन्होंने एक ट्वीट कर उन्हें एक बेहतरीन नेता बताया और बातचीत करने की अपील की। सिद्धू नहीं चाहते कि पंजाब कांग्रेस का एक सीजन्ड नेता पार्टी से अलग हो जाए। सिद्धू ने उन्हें पार्टी के लिए एक बेशकीमती नेता बताया। उन्होंने पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को एक ऐसा नेता यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी बात को लेकर मतभेद उभर ही आए हैं तो उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाना चाहिए। वैसे इस तरह का ट्वीट कर वे खुद भी चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी पार्टी में अनुशासनहीनता की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजा वडिंग के बीच मनमुटाव चल रहा है। राजा वडिंग ने सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की हुई है। ऐसे में पार्टी उस पर विचार कर रही है। पिछले ही दिनों सिद्धू और जाखड़ के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जाखड़ सिद्धू की हिमायत करते दिखे थे। वहीं अब जबकि जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो अब सिद्धू भी उनके पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।